अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग एक इन्फॉर्मेशन व्लॉग है, इसलिए आपको मैं नज़र नहीं आऊँगा। और आज का व्लॉग है स्पेशली भोपाल से जो बाहर रहते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि उनको ये सब पता चले कि भोपाल के अंदर कैसा क्या इंतजाम रहते हैं। इस्तेमे वाले पार्ट टू के अंदर आपसे कहा था, आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि जो भी लोग भोपाल से बाहर रहते हैं, जब वो भोपाल आते हैं इस्तेमे के लिए, तो उनके लिए कैसे क्या इंतजाम रखे जाते हैं। जैसे कि अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप कहाँ पर उतरेंगे, कौन से स्टेशन पर उतरेंगे, कौन प्लेटफॉर्म पे आप उतरेंगे, और वहां से फिर कैसे इंतजाम रहेगा, कैसे आप इन इस्तेमे गाह तक पहुंचेंगे, ये सब आपके सवाल थे, यही सब मैं आज आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा हमारे स्टेशन पे, जो भी लोग ट्रेन से आते हैं उनके लिए। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने है भोपाल स्टेशन, हम लोग आ चुके हैं भोपाल स्टेशन पे। और ये है कुछ नज़ारे हमारे भोपाल स्टेशन के, हमारा देख सकते हैं आप ये कितना खूबसूरत बन चुका है। और यहाँ पे आप जैसे ही एंटर भोपाल स्टेशन का खूबसूरत सा नजारा दिख जाएगा। अभी यहाँ पे चल रहा है काम, ये भोपाल स्टेशन के दूसरे साइड का एरिया और स्टेशन के इधर वाला एरिया कहलाता है एक नंबर स्टेशन। जो अभी अपन यहाँ पे खड़े हैं ये है एक नंबर स्टेशन। जो भी ट्रेन आती है वो आती है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, उधर उधर साइड पर है। तो चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ अब उधर साइड पर। अभी जो साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे इस्तेमे की दुकानें लग चुकी हैं, मतलब सर्दियों की जो गर्म जैकेटें वगैरह मिलती हैं वो यहाँ पे लग चुकी हैं। और ये जगह है संगम टॉकीज के सामने वाला एरिया। तो जैसे कि आप सामने देख सकते हैं अपन लोग आ चुके हैं भोपाल स्टेशन के दूसरे साइड पर, मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 5 साइड पर। ये है मेन गेट और ये सामने आपको पूरा नज़ारा दिख जाएगा। और आप समझ ही गए होंगे कि जो भी लोग स्टेशन पर आते हैं तो उनके लिए कैसे क्या इंतजाम रहते हैं। आप ट्रक देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, ये ट्रक नॉर्मल नहीं खड़े, ये अल्लाह के शुक्र से माशाल्लाह ये हमारे सभी इस्तेमे वालों के लिए ही है। जो भी बाहर से आते हैं जो भोपाल, उन लोगों के लिए ये सब इंतज़ाम रखा गया। और देख सकते हैं आप ये बस भी, आप देख सकते हैं कि मैं लोग बैठे हुए और ये लोग सब इस्तेमे ही जा रहे हैं। अभी हम लोग गाड़ी को करते हैं यहीं पे पार्क और देन लेके चलते हैं आगे, और आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या इंतजाम यहाँ पे रखा जाता है आगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ना कितने सारे लोग आ चुके हैं सामने, आप देख सकते हैं। और वहीं अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाश्ता खदमत का इंतजाम रखा गया है। यहाँ पे आपको पानी भी मिल रहा है और चाय और बिस्किट भी मिल रहा है। और देख सकते हैं हम यहाँ पे कि पूरा यहाँ पे पंडाल वगैरह लगे हुए हैं। और अभी अपन चलते हैं और आगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ट्रांसपोर्ट जमात। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं पहले यहाँ पे कंसल्ट करते हैं कि फिर उनको शायद पता चलता है कि उनको जाना। और जैसे ही अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखते हैं एक मेडिकल कैंप भी लगा। और जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा पंडाल रखा हुआ है, यहाँ पे नमाज का वक्त भी लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सब साथी जिम्मेदार यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पे पुलिस के वगैरह भी कंटिन्यू साथ दे रही है अल्लाह के शुक्र से। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़ी हुई है। और ये देखिए बैतुल खुला यानी टॉयलेट वगैरह वजू खाने का भी इंतजाम यहाँ पे रखा गया है। आगे और देखिए यहाँ पे लोग आ चुके हैं, कितने सारे यहाँ पे उनके बैग वगैरह रखे हैं। यहाँ पे कितने सारे लोग माशाल्लाह बाहर से अभी आ चुके हैं और अभी तो कितने और आना बाकी हैं। और यहाँ पे जो बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह, ताकि यहाँ पे जो बाहर से आए उनको टॉयलेट का और वजू खाने का पता चल जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि वजू खाने का इंतजाम भी रखा गया है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर किसी को और ज़रूरत हो तो यहाँ पे टॉयलेट का भी इंतजाम रखा गया है, देख सकते हैं आप सामने यहाँ पे हैं ये है सब हैं टॉयलेट। और वहीं अपन थोड़ा और आगे चलते हैं और स्टेशन की तरफ आपको मैं लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वहाँ से कैसे आपको कहाँ पर आना और कैसा क्या इंतजाम है। और देख सकते हैं ये है हमारा पूरा स्टेशन, ये आप देख सकते हैं सामने ये भोपाल लिखा हुआ है। और ये है पूरा, देखिए यहाँ पे साइड में पंडाल वगैरह भी लगे हुए हैं। अब थोड़ा सा और आपको आगे लेकर चलता हूँ और ये सामने मुझे लग रहा है कि किसी की बाइक वगैरह आई हैं जो पार्सल डायरेक्ट आती हैं ट्रेन के थ्रू जो आती हैं बाहर से। देख सकते हैं आपको कितना बड़ा माशाल्लाह से पंडाल लगा हुआ है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इस ट्रेन से उतरेंगे, आपका ये स्टेशन रहेगा और यहीं से आपको ये रास्ता दिया गया है। और यहीं से आप जैसे कि अंदर जाएंगे तो आपके यहाँ पे खिदमत यहाँ पे जिम्मेदार साथी आप खड़े रहेंगे, आप उनसे कंसल्ट करेंगे तो वो आपको हर चीज़ बता देंगे। और यहीं पर लेफ्ट हैंड पर आप पूरा इंतजाम रख जो मैंने आपको दिखाया है। अब मैं चल रहा हूँ आपको दूसरी जगह लेकर। आप देख सकते हैं सामने भी ये ट्रक भर रहा है, यहाँ पर भी लोग निकल रहे हैं जमात के लिए।
ये कार पे भी स्टिकर लगा हुआ है, ये सब जिम्मेदार वाली कारें जो आपको इस समय कहाँ तक छोड़ देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे स्टेयर्स मतलब जीनों का भी इंतजाम रखा गया है ताकि लोग ट्रक पे इजिली चढ़ सके, और यहाँ पे आपको बैठा के इजिली आपको डायरेक्ट इस्तेमाल घा के सामने छोड़ेंगे इस्तकबाल पे। और देख सकते हैं हम यहाँ पे भी भाई जिम्मेदार साथी खड़े। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बस स्टेशन पर। अब ये देख सकते हैं ये हमारा है बस स्टैंड, जो कि अभी यहाँ पे बहुत सारी बसेस खड़ी हुई हैं तो मैं सही से शूट नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे खाने पीने का भी इंतजाम रहता है बस स्टैंड, अगर आप आए तो यहीं से थोड़ा ही आगे आके स्टेशन है जहाँ पे आपका पूरा इंतजाम मिल जाएगा आपको। और बस स्टैंड से आप जैसे ही आगे पहुंचेंगे तो आपको जाना पड़ेगा भोपाल टाकिस तक, ये आपको बसेस भोपाल टाकिस तक भी छोड़ देंगे और डायरेक्ट रस्ते में भी छोड़ सकती हैं। अब यहाँ से मैं आपको लेके चलूंगा भोपाल टाकिस, वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगा कि भोपाल में जगह जगह कहाँ कहाँ पर खिदमत करते हैं किस किस तरीके से। तो अपन पहुंच चुके हैं भोपाल टाक चौराहे पर, तो देख सकते हैं आपको आगे जाके यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेंट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी स्टेयर्स का इंतजाम आज रखा गया है, और यहाँ पे भी आके गाड़ियाँ जो आपने देखी हैं वो सब खड़ी हुई हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे मैजिक और टेम्पो वगैरह देख सकते हैं आप सामने, ये लोग बैठे हुए हैं और ये लोग जा रहे हैं इस्तेमा। और ये पंडाल हमेशा ऐसे ही लगाया जाता है, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश लोहार समाज की तरफ से ये बहुत बड़ा और हमेशा ऐसा ही इंतजाम यहाँ पे भोपाल टाकिस पे रहता है। देखिए यहाँ पुलिस वगैरह अभी कैंप लगे रहता है, यहाँ पे पानी वगैरह का भी इंतजाम रखा गया है, और यहाँ पे रोड भी अभी नए बने हैं। यहाँ पे पहले अभी रोड थोड़ा कच्चा था जो अभी तैयार हो चुका है इस्तेमाल के लिए स्पेशली, अभी तंबू ये रेडी हुआ है आज कल में ही, और अभी यहाँ पे लाइटिंग लगना बाकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भाई लाइट लगा रहा है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। चाचा अभी हमने सुना आप ईट खड़ी फ्री ले जा रहे हैं। हाँ, जमात वाले जमात वालों के लिए फ्री है। देख सकते हैं भाई नहीं, अभी वहाँ से हमने सुना कि ऐलान करते जा रहे थे कि ईट खड़ी फ्री है माशाल्लाह। तो ये जो अभी आपने देखा ये था भोपाल टाकिस का, मैं आपको लेकर चलता हूँ और आगे। वहीं जब अपन वापस जा रहे थे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तंबू की जो लाइट है वो लग, और भोपाल टाकिस अपन जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि अकबरी मस्जिद के साइड में भी यहाँ पे एक तंबू इस्तकबाल के लिए और खिदमत के लिए यहाँ पे एक तंबू लगाया। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने सिंधी कॉलोनी साइड, क्योंकि भोपाल टाकिस के बाद पड़ता है सिंधी कॉलोनी। चलिए देख सकते हैं सामने की यहाँ पे भी एक तंबू लगा हुआ है। अब यही मैं आ गया हूँ काजी कैंप पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भाई हैं जो ऊंची सीढ़ी पे बैठे हुए हैं, आप सामने आपको दिख रहा होगा। यहाँ ये ट्रैफिक को संभाल रहे हैं, यहाँ पे ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अपनी गाड़ी को साइड में लगाइए और जो चल रहे हैं पैदल वाले साथी जो हैं वो पैदल साइड में चलें, और जो गाड़ी वाले हैं वो ओवरटेक ना करें। ये एरिया है काजी कैंप का, यहाँ पे भी देख सकते हैं आपके यहाँ पे भी तंबू लगा हुआ है। और आगे अपन चलेंगे तो देख सकते हैं आपको ये यहाँ थोड़ा अपन आ गया है तो यहाँ पे एक और तंबू लगाया गया है। यहाँ बस तंबू अभी रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे खिदमत जो भी होगी वो कल से स्टार्ट होगी ही। जैसे ही अपन DIG पाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी DIG पर भी एक बड़ा तंबू लग रहा है, यहाँ पे भी आपकी खिदमत का इंतजाम रखा जाएगा। और यहीं अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो राइट हैंड पे भी आप देख सकते हैं कि वो लोग भाई लोग सामने बैठे हुए हैं जिन लोगों की तरफ से ये खिदमत होगी। इतने ही सिर्फ आपको यही बताना था कि इजीली यहाँ पे जगह जगह इंतजाम भोपाल में रखे जाते हैं, खिदमत आपकी करी जाती है, जी जान से जुड़ जाते हैं महीनों महीनों पहले से भोपाल वाले अपनी तरफ से, जो भी उनसे बन सकता है वो अपने हर तरीके से खिदमत करते हैं। तो ये व्लॉग बनाने का मोटिव सिर्फ यही था कि जो भी लोग भोपाल से बाहर आते हैं तो वो सोचते हैं कि वो यार कैसे क्या उनका इस्तकबाल होगा, उनको कहाँ जाना पड़ेगा, उन्होंने भोपाल तो देखा नहीं होगा। तो आप बेशक बेझिझक आ सकते हैं, इतने अच्छे से इंतजाम रहते हैं कि आप बिल्कुल परेशानी होंगे कि आपको बस आना है और आपको डायरेक्ट इस्तेमाल तक आपको इजीली पहुंचा दिया जाएगा। और वहां पर भी जब इस्तेमाल पहुंचेंगे तो वहां पर भी इस्तकबाल एक रहता है, वो भी आपको बता देते हैं कि आपको किस खत्ते में और कहां पर जाना रहता है, वो भी मैं आपको कवर करूंगा इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला। तो ये थे नज़ारे कुछ हमारे भोपाल की तरफ से, जो भी लोग भारत से आते हैं उन लोगों की खिदमत करने के लिए। तो कैसा लगा व्लॉग आपको, इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो उसको करो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ सके। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।